नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राजतक न्यूज। चंदौली से जुड़ चुके हैं सोमनाथ प्रजापति, जो भागीदारी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं। सोमनाथ जी, राजतक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों का मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। सोमनाथ भाई, ये बोल रहे हैं कि मैं चंदौली से चुनाव लड़ूंगा जी और आप लोग ओम प्रकाश राजभर के सहयोगी हैं और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्या पांडे जी का टिकट कट जाएगा चंदौली से आपके लिए? सर, ये कैसे आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के हम लोग सहयोगी हैं? नहीं, वो तो चलते हैं साथ साथ। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेमचंद प्रजापति जी, वो सहयोग आज ही सहयोगी में हैं। नहीं सर, सहयोगी में तो मैंने, ठीक है, भागीदारी पार्टी जब गैर राजनैतिक पार्टी थी, जब भागीदारी पार्टी का जो आंदोलन मंच चल रहा था तो पार्टी के संरक्षक थे ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, कोर कमेटी है, उस कमेटी से हमको निर्देशित किया गया है कि हम लोग जो है लड़ेंगे चुनाव। अभी तो गठबंधन और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो अपना काम करे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी आप देखे हैं निकाय चुनाव जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, नहीं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और हमारी पार्टी आमने सामने लड़ी है। वो तो बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे नगर निगम में। प्रयागराज में आए कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, मान लीजिए निकाय चुनाव में जो हुआ, सुहेल देव पार्टी और भागीदारी पार्टी का आमने सामने जो लड़ाई हुआ आप देखे ही हैं, तो कैसे हम मान लें कि सुहेल देव पार्टी अगर बीजेपी से गठबंधन करेगी तो हमारी पार्टी करेगी? ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं आप, या हम कैसे नहीं, कर हम सकते तो हैं? डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जो प्रेमचंद प्रजापति जी हैं वो नजदीक रहते हैं, वो भी राजभर के करीब रहते हैं, जी कहीं भी मीटिंग होता है वो रहते हैं। आज भी उनका गठबंधन है और रह गई भागीदारी पार्टी की नगर निगम चुनाव की बात, तो वो तो बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं बहुत जगह। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जाएंगे बीजेपी की तरफ, कहने का मतलब हमारा ये है। तो जब वो जाएंगे तो क्या आप लोग दूसरे तरफ जाएंगे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर कहीं जाए आप उनसे क्या, उनकी पार्टी अलग है, उनका निर्णय अलग है। और अभी हम लोगों का लखनऊ में दारू सभा कॉमन हॉल ए में प्रदेश कमेटी का समीक्षा बैठक हुआ, उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग थे, प्रदेश के लोग थे, उसके बाद कोर कमेटी के लोग थे, तो हम लोगों को तो ऐसा कोई गाइडलाइन दिशा निर्देश नहीं मिला। मैंने आप अगर चले ठीक है तो गठबंधन किससे करेंगे आप लोग, समाजवादी से कि कांग्रेस से? कुछ तो आश्वासन दिए होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अभी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य प्रदेशों में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 17 फरवरी को भागीदारी पार्टी का पहला अधिवेशन झारखंड रांची में हुआ, तो भागीदारी पार्टी का संगठन रांची में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में, जहां जहां है। तो अभी तो हमारे राष्ट्रीय कमेटी का ये निर्णय हम लोगों के सामने आया कि हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी अपने दम पर, लोकसभा 2024 में हम लोग अपने ताकत दिखाएंगे, उसके बाद जो है जो आगामी चुनाव आएगा उसमें गठबंधन उठबंधन की बात बन सकती है। तो सोमनाथ भाई जो बोल रहे हैं कि ये जो 2024 वाली चुनाव है, जो आप लोग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, तो जो पांडे जी हैं जी चंदौली से लोकसभा सांसद नए मंत्री, मतलब उनके सामने कैसे टिकेंगे, क्या कहेंगे लोगों को कि चंदौली लोग पांडे जी को छोड़ कर आपके पास आते हैं वोट देने के लिए, क्या कहेंगे जाकर? अब पांडे जी लोकसभा यहाँ के सांसद हैं, मंत्री भी हैं सरकार में सर, मगर हम पांडे जी से, आप देख लीजिए आ करके, आप भी देख लीजिए चंदौली में, चंदौली में 382 विधानसभा जो है, आप देख लीजिए रोड का स्थिति क्या है यहाँ, नहीं, 381-82 जो विधानसभा है ये देख लीजिए कि इस विधानसभा में रोडों का क्या स्थिति है, पानी भरा है।
2 फीट 3 फीट पानी भरा है, गड्ढा है। अब इस ये सब माने रास्ता, बिजली, खाद, पानी, तमाम सवाल हैं। उस सवाल को लेकर के हम गांव गांव जनता के बीच हम लोग अपनी बात को बता रहे हैं। जो समाज जो है वंचित है भागीदारी से, राजनैतिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, इसको भागीदारी दिलाने के सवाल को लेकर के हम लोग जो है समाज में, जनता में जा रहे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं। उसी के बीच में अपनी हमारी लड़ाई होगी। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है लड़ने का। नहीं, ये तो सच है आपका लोकतंत्र, लेकिन आपके समाज में बहुत नहीं है तो है, मगर ऐसा है सर ना, हम भी अलायंसेस कर रहे हैं। जैसे पूरे प्रदेश में देखा जाए, माने यूपी का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग, खाली एक बनारस एक ऐसा जिला है कि कहीं किसी जिले में अगर बात हम लोग करते हैं तो बनारस के लोग खाली हंसी के पात्र बने हैं। बनारस में माने जितने नेता हैं उतने पार्टी बनाए हैं। ऐसा जैसे चंदौली में ले लीजिए, चंदौली में देखिए है कोई पार्टी? हम लोग जैसे आज 20 साल 22 साल से राजनीति में हैं, पहले हम बहुजन समाज पार्टी के कई पदों पर रहे हैं, तो जो सामाजिक भाईचारा कमेटी बना, बूथ में पहले काम किए, सेक्टर में काम किए, उसके बाद मेन बॉडी का विधानसभा महासचिव रहे, जिला का जिला कोषाध्यक्ष रहे 1 साल बहुजन समाज पार्टी चंदौली का, उसके बाद सामाजिक भाईचारा कमेटी बना, उसमें प्रजापति सामाजिक भाईचारा कमेटी का मैं अध्यक्ष रहा विधानसभा का, उसके बाद जिला अध्यक्ष रहा, भाईचारा कमेटी का कोऑर्डिनेटर भी रहा चंदौली का। उसके बाद जब हमारी पार्टी बनी, हमको लगा कि ये जो है माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी जो है, ये गुलाबी झंडा डंडा जो लेकर के चल रहे हैं, ये जो जिस जुनून से चल रहे हैं, तो हम इन्हीं लोगों का, इनका दामन हम लोग थामे, भागीदारी पार्टी का, सब पार्टी को छोड़ करके इसी को चला कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। ये अपनों में तुमने अपना होता है। भाई जो बता रहे हैं कि पेंशन प्रजापति का झंडा झंडा देकर, तो इससे यही साबित हो रहा है कि सिर्फ आप जात के नाम पर आए पेंशन निधि का सहयोग देने के लिए। प्रजापति वो भी हैं क्या कांग्रेस सर, के, समाज समाज के नाम ने भागीदारी पार्टी में और समाज के लोग हैं, ऐसी नहीं, बात नहीं ज्यादातर है कि प्रजापति खाली समाज के लोग हैं। प्रजापति। तो प्रजापति समाज के लोग तो है ही हैं, माने समाजवादी पार्टी में ज्यादातर यादव समाज के लोग नहीं हैं। हाँ इसीलिए बताया जाता है कि यादव की पार्टी है। तो ये भाई, इसमें 70% मान लीजिए प्रजापति हैं, 30% अदर समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले हर जाति के लोग हैं, सबका तो हम लोग स्वागत कर ही रहे हैं। जैसे प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं, इस प्रदेश में जो भागीदारी पार्टी, जो भागीदारी के सवाल को लेकर के जो वंचित है, जो समाज वंचित है, कोई समाज हो, हम लोगों के साथ आवे, हम लोग तो तैयार हैं जोड़ने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। सुनो भाई, आपके समाज में 2 3 पार्टी बन गई है। राम गोविंद जी के एक कुंभार आंदोलन मंच बना है और कैप्टन साहब भी, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा चंदौली में? चंदौली में इनका प्रभाव कोई नहीं, इनका प्रभाव तो बनारस में ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग भी बनारस में जाते हैं ना, ये लोग तो पूरा हंसी के पात्र बन गए हैं। इनका बनारस में आपको सब पार्टी हम गिना दे, एक देखिए ये लोग खाली एक जिले में सीमित हैं, कहीं इनका कोई जो है नहीं है। आप बताइए कि एक स्वाभिमान एकता मंच चल रहा है वहां पर, एक TS4 चल रहा है, एक हितकारिणी महासभा, प्रजापति हितकारिणी महासभा है, एक कुम्हार आंदोलन मंच है, राम गोविंद जी उसका, आप बताइए। अब ये लोग, अब हम लोगों को लगता माने पूर्वांचल के ये लोग धुरंधर हैं, नेता हैं, अब कोई नौकरी कर रहे हैं उसका अनुभव, राजनैतिक अनुभव, ये सब अलग होता है शरण जी ना। अब कैप्टन साहब जैसे सेना में थे तो उनको ज्यादा अनुभव उधर है, राजनीति में अब इतना जल्दी उतावला, जैसे यादव समाज में मान लीजिए अखिलेश यादव जी हैं, पार्टी बनाए, उन लोगों को मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, और वो लोग बड़े हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर अपनी कारवां को, अपनी लड़ाई अगर लड़ना हो तो एकजुट होकर के, एक साथ होकर के लड़ा जाएगा, तब सर लड़ी जाएगी लड़ाई, ऐसे नहीं लड़ाई लड़ी जाती है। अब ये लोग, नहीं, अब सोच लीजिए भागीदारी पार्टी से अगर कोई प्रकार का अगर दुख हुआ, ठेस पहुंचा उनको, तो तुरंत जो है पार्टी बनाए, पार्टी बनाए वो भी तोड़ दिए, उसके बाद राम गोविंद भी,
3 4 माने हर महीनों में तोड़ते चले जा रहे हैं लोग, जय लोग हैं, पार्टी बना रहे हैं, ये मजाक के पात्र हैं कि नहीं? आप ही बताइए, आप भी बुद्धिजीवी हैं सर ना, बताइए। ये हम तो नहीं कह सकते हैं कि अब वो हम किस मकसद से बनाते हैं। तुम जैसे आप बोले कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में पार्टी बनाने का हक है, उनकी मर्जी। अगला सवाल हमारा अब सुनना हमारे ये है जिले कि के कुछ लोग बोल रहे थे कि जो सूची जारी हुई थी भागीदारी पार्टी की, कुछ 6 सीटों पर तो लास्ट में टिकट काटा जाएगा और पैसों वालों को लाया जा रहा है, सच है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर, तो वो लोग जानते होंगे, मगर हमको तो जानकारी नहीं है, ना ऐसा हुआ है कभी। अभी तो पार्टी 2021 से बनी, 2022 में गठबंधन हुआ, गठबंधन में पार्टी जैसे अपना जो धर्म था वो धर्म निभाई, हम लोग उसी को मान करके चल रहे हैं। भाई एक परिवार है, तो परिवार में सब बातें चीत जो है, अब संघर्ष, जो संघर्षशील आदमी रहता है संघर्ष करता है, उसको छोड़ करके भागता नहीं है। अब जो छोड़ कर भाग रहे हैं उसको अब क्या कहें, बताइए? इतना जल्दी जो है, अब देखिए समाजवादी पार्टी को देख लीजिए कि शिवपाल भी अलग हुए और क्या किए, फिर आ गए, तो आप मान रहे हैं कि सब लोग वापस आ जाएंगे एक दिन? उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा होने वाला है, कुछ नहीं डेवलप होगा सर, वापस तो सबको आना ही पड़ेगा, एकजुट सबको होना ही पड़ेगा। अगला सवाल हमारा कि आखिरी सवाल हमारा है सोना जी, या पांडे जी को चुनाव हरा देंगे 2024 में? चुनाव तो सर उनको तो हरा ही देंगे, वो किस आधार पर तो हार हारेंगे? ही जाएंगे सर। अब वोट जैसे, अब देख लीजिए जो दबे कुचले लोग हैं, प्रजापति समाज, बिंद समाज, नई समाज, भर समाज, बिहार समाज, चमार समाज, ये सब जितने समाज हैं जो दबे कुचले हैं, सब लोग हम लोगों के साथ हैं, यही बीजेपी को जिताता है। तो जब वोट हम अपने तरफ ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो चुनाव हार जाएंगे। आखिर में कुछ कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो है संघर्ष कर रहे हैं, चंदौली जिले की जो टीम है, चंदौली जिले के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो है हम कंधे से कंधे मिलाकर चले रहे हैं। अबे हैं तो हमारे कार्यकर्ता काम धाम सब कर रहे हैं, उनका सहयोग हम निरंतर जो है कर रहे हैं, सुख दुख में हमेशा शामिल हो रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को तो मैं यही आभार व्यक्त करता हूँ कि कार्यकर्ता जो है मिल करके हम लोग एक आवाज बने और भागीदारी पार्टी को 2024 में संसद तक पहुंचाया जाए। चलिए ठीक है सोमनाथ भारती जी, उम्मीद करेंगे कि 2024 में महेंद्र नाथ पांडे जी को हराने में कामयाब साबित हो जाए। जनरल में समय दे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।